हेलो हाय, वेलकम टू टेस्टबुक एजी चैनल। कैसे हैं गाइस? बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है। रिगार्डिंग कॉमन कैडर, बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं कॉमन कैडर का एग्ज़ाम 2024 में कब आएगा, और मैम आजकल क्लासेस क्यों नहीं आ रही क्वांट्स की। तो गाइज़ वो सब भी स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 2024 में कॉमन कैडर कब आएगा। जो स्टूडेंट्स कॉमन कैडर के बारे में नहीं जानते, तो 2023 में पहली बार कॉमन कैडर की वैकेंसी आउट हुई थी। पहले जान लेते हैं कि कॉमन कैडर क्या होता है, कैसे पेपर का पैटर्न रहता है, फिर हम बात करेंगे। ये देखिए, 2023 का मैं अगर आपको बताऊं, सबसे बड़ा फ़ायदा, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि 2023 में कब नोटिफिकेशन आया था, 21 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। फिर एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे 5 अगस्त को, लास्ट डेट आप 4 सितंबर तक अप्लाई कर सकते थे। और ये तो प्रिंट आउट का डेट है, जो आप लोगों ने फॉर्म भरे थे उसका प्रिंट आउट आप कब तक निकाल सकते थे, यानी कि 21 जुलाई को 2023 में देखने को मिली थी नोटिफिकेशन कॉमन कैडर की। वैकेंसीज कुछ इस तरह से आउट हुई थी, जिसमें और भी वैकेंसीज थी। यहाँ पर कॉमन कैडर की 237 वैकेंसीज आउट हुई थी। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, सबसे बड़ा फायदा, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरा भी था। यस, कट ऑफ वॉज हाई, वैकेंसीज कम होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़िया वाला होता है। SSC, बैंकिंग, सारे स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म भरा था। और एग्ज़ाम भी, मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम भी SSC बैंकिंग दोनों को कॉम्बो पैटर्न पर ही आया था, ठीक है। अगर हम बात करें रिगार्डिंग यहाँ पर पोस्ट कितनी निकली थी, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसके अंदर आप लोगों को देखना है तो एक बार आप लोग देख लीजिए जनरल की वैकेंसीज कितनी थी। EWS, ठीक है, OBC, अपना SC ST, टोटल 237 वैकेंसी जो थी वो इस तरह से ओवरऑल बांटी गई थी, ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न भी आप देख लीजिए, ठीक है, जो भी बच्चे इस साल भी इस एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बार हो चुका है तो अभी आपको पता है कि इस एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहता है। आप पेपर्स देख सकते हैं हमारे चैनल पे, इसकी बहुत सारी पहले भी वीडियोस हैं, आप वो भी सर्च कर सकते हो, और आगे आने वाली वीडियोस भी हम डालते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा पूरा एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, इंग्लिश, GK, क्वांट और रीजनिंग, ठीक है, 35 क्वेश्चन की इंग्लिश थी, 40 क्वेश्चन की रीजनिंग, 40 की मैथ्स और GA भी 35। एक एक क्वेश्चन एक नंबर, 150 नंबर का पेपर था और आपको 2 घंटे मिले थे। तो गाइज, जिस तरह से आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जुलाई के अराउंड वैकेंसी आई थी, फिर से वैकेंसी जुलाई, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इसी डेट को आएगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जुलाई जुलाई ऑनवर्ड्स, मतलब अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, कुछ बच्चों को लग रहा है कि एक ही बार आई थी अपनी आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज हर साल इस तरह से निकलेगी, इसी अराउंड निकलेगी, 200 की रेंज में ही निकलेगी, ठीक है। जुलाई के बाद आपको कभी भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और अगर आप इस प्रिपरेशन को कर रहे हैं इसकी, तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं आप लोग, बढ़िया तरीके से तैयारी अपनी जारी रखिए। वैसे भी ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आप कोई भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी अगर आप लग रहे हो तो भी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं, तो अपने साथ एक पॉजिटिव पॉइंट रखिए कि यस, हम कॉमन कैडर आएगा तो इस तैयारी को हम वहाँ भी यूज़ कर लेंगे। तो और ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।